हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कोहाड़ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो एल और एक्सल साइज के हाफ बाजू जेंट स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नंबर दो है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें आर्म होल की घटाई करना वी गले की घटाई करना और डिजाइन को एडजस्ट करना बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स से इसका जो बैक पार्ट है वो मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है सीधी उल्टी सिलाइयों से आप चाहो तो बैक पार्ट में भी डिजाइन बना सकते हो लेकिन मैं कोई भी जब हाफ बाजू या फुल बाजू जेंट स्वेटर बनाती हूँ तो बैक पार्ट को बिल्कुल प्लेन बुनती हूँ और फ्रंट में इसमें डिजाइन डालती हूँ यहाँ पर अपनी चॉइस होती है तो आपको बैक पार्ट में कोई डिजाइन बनाना हो तो बना सकते हो नहीं तो आप इस तरह से सीधी उल्टी सिलाइयों से प्लेन बनाइए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो इसमें हमने ये तीन इंच का बॉर्डर बनाया है बॉर्डर के बाद हमने इसमें फंदे बढ़ाकर डिजाइन को सेट किया है तो इसके लिए आप इसका पार्ट नंबर एक देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अब हमें इसकी लेंथ बनानी होती है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसे मैंने साढ़े बीस इंच तक बनाया है मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूं ये देखिएगा ये हमारा यहां पर साढ़े बीस इंच पूरा कंप्लीट होता है और अगर मैं आपको ये डिजाइन गिन कर बताऊँ तो बारह डिजाइन कंप्लीट करके तेरहवें डिजाइन की मैंने छः सिलाइयाँ बनाई हैं क्योंकि हमारा ये जो एक डिजाइन है चौदह सिलाइयों में कंप्लीट होता है तो तेरहवें डिजाइन की छः सिलाइयाँ बनाई हैं सातवीं सिलाई पर अब हम इसमें मुड्ढे की घटाई और गले की घटाई शुरू करेंगे तो डिजाइन आपको गिन के बता देती हूँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये देखिए यहाँ पर ये बारह और ये हमारा तेरहवा डिजाइन यहाँ पर बन रहा है और तेरहवें डिजाइन की मैंने यहाँ पर छः सिलाइयाँ बनाई हुई हैं अब हमारी ये यहाँ पर सातवीं सिलाई है इसमें हम वी गला बनाएंगे तो यहाँ से मुड्ढे की घटाई शुरू हो जाएगी और साथ के साथ इसमें यहाँ पर वी गले की घटाई शुरू होगी तो वी गले की घटाई करने के लिए हमें अपने फंदों का देखना है तो फंदे यहाँ पर हैं हमारे 111। 111 के ठीक बीच में जो एक फंदा होता है वो हम वी गले की फली के लिए छोड़ देते हैं अब देखिए इसमें हम यहाँ से जो मुड्ढे की घटाई करेंगे वो हम पाँच चार तीन और एक की घटाई करेंगे तो थोड़ी सी मैं आपको लिखकर मेजरमेंट बता देती हूँ ये देखिएगा जो इसका मैंने डिजाइन वगैरह है पंदे लेना है ये मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया है अब हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं तो दूसरे पार्ट में हम जो मुड्ढे की घटाई करेंगे जो हमने इसकी लेंथ बनाई है देखिए आरम होल तक की हमने लेंथ बनाई है साढ़े बीस इंच बारह डिजाइन पूरे करके तेरवें डिजाइन की सातवीं सिलाई पर हम इसमें आराम होल की घटाई कर रहे हैं तो जो हम लेंथ बना रहे हैं ये हम हाइट के अकॉर्डिंग बनाते हैं पाँच फुट नौ इंच या पाँच फुट दस इंच जिसकी हाइट होगी उसको इतनी लेंथ काफ़ी होती है बाकी आप जिसके लिए बनाएं जो हम फंदे लेते हैं वो हेल्थ के अकॉर्डिंग लेते हैं लेंथ जो बनाते हैं वो हाइट के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हाइट अगर कम हो तो आप लेंथ कम कर सकते हो अब देखिए मुड्ढे की जो घटाई करेंगे वो पाँच चार तीन और एक से हम इसकी घटाई करेंगे वी गले के लिए हमारे पास हैं एक सौ ग्यारह फंदे अगर एक सौ ग्यारह फंदे में जब हम बीच का पार्ट लेंगे तो पचपन एक साइड के और पचपन एक साइड के और ठीक बीच में एक फंदा हमारा होगा जिस पर हम फली बनाएंगे उसमें हम अलग से कोई धागा वगैरह या पिन वगैरह डाल के उसको छोड़ देंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप नॉर्मल वाली ऊन से बना रहे हों जो कि सिंगल धागे वाली है उसमें आपके होंगे 119 फंदे तो 119 में भी आपके ऐसे ही हो जाएंगे 59 फंदे एक साइड के 59 फंदे एक साइड के और एक फंदा आपका बीच में फली का आ जाएगा सेम तरीका होता है अब देखिए हम यहाँ से इसमें मुड्ढे की घटाई करेंगे पाँच फंदे की तो देखिए दो का एक करेंगे और इस फंदे को हम लूज रखेंगे इसे आपने टाइट नहीं करना है अगर ये फंदा आपका यहाँ से टाइट हो जाता है तो आर्म होल की जो शेप होती है वो अच्छी नहीं आती है तो इस फंदे का दो का एक करने के बाद इसे आप लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर दीजिए तो दो फंदे की घटाई हो गई इसे हम फिर से लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे तो तीन हो गए फिर से इसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे चार हो गए फिर से हम नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे तो ये पांच फंदे की घटाई इधर से हमारी हो गई है अब हमें आगे डिजाइन के हिसाब से अपने फंदों को देखना है क्योंकि ये बहुत ही आसान डिजाइन है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एडजस्ट करने में यहाँ पर ये तीन उल्टे हैं तो मैं इनको उल्टा बना लेती हूँ आगे हमारे पांच सीधे हैं तो उनको हम पांच सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए पाँच फंदे की तो हमारी घटाई हो गई है और अब हम टोटल फिफ्टी फंदे बनाएंगे इसमें क्योंकि फिफ्टी वो हो जाएंगे और पाँच ये जो घटाई में आ गए पचपन तो पचास फंदे डिजाइन के अनुसार हम बना लेंगे जो सीधे होंगे उनको सीधा और जो उल्टे होंगे उनको उल्टा करते हुए फिफ्टी फंदे मैं यहाँ बुन लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये पचास फंदे बना लिए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर रखने हैं पचपन फंदे जो छप्पनवा फंदा हमारा आएगा उस पर हमारे वी गले की फली बनेगी तो पांच फंदे की घटाई होगी और पचास फंदे मैंने बना लिए हैं और अब इन फंदों को हम यहीं से छोड़ देंगे इनको हम बाद में बनाएंगे एक साइड का पार्ट पहले हम एक साइड का बुन लेते हैं अब देखिए ये जो पचास फंदे हैं यहाँ से हम दो फंदे का एक फंदा बना देंगे और हम यहाँ से अब पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ से हमारी जो है गले की घटाई साथ के साथ शुरू हो गई है तो पूरी सिलाई को अब हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे एक फंदा यहाँ से कम हो गया है तो अब हमारे पास टोटल फोर्टी नाइन फंदे बच गए हैं तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर यहाँ से हम चार फंदे की घटाई करेंगे तो देखिए दो का एक करेंगे फंदे को लूज रख लेंगे और इसे सिलाई पर लाएंगे नेक्स्ट फंदे, फंदे, फंदे के साथ दो का एक करेंगे फिर से सिलाई पर लाएंगे और इस फंदे को लूज रखेंगे नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे फिर से इसे लूज रखेंगे और दो का एक कर देंगे तो यहाँ से चार फंदे की घटाई हो गई है फिर से हमारी देखिए यहाँ पर अब डिजाइन की जो है नौवीं सिलाई है इसको हमने ध्यान में रखना है धागा पीछे करेंगे यहाँ से तो जो फंदे हमारे जैसे हैं वैसे ही बुंदेंगे क्योंकि फिर से हमारी यहाँ पर घटाई होनी है तो ये जो सीधे फंदे हैं इनको मैंने सीधा बना दिया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे ये देखिए अब धागे को पीछे करेंगे और यहाँ से डिजाइन को बुनेंगे क्योंकि अभी यहाँ से तीन और एक फंदे की घटाई होनी है तो अब इस फंदे को हम यहाँ पर स्लिप करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे जैसे कि मैंने डिजाइन इसका पार्ट नंबर एक में पूरा बुनना बताया हुआ है अगर आपने पार्ट वन देखा होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा अब इस फंदे को भी स्लिप कर देंगे और ऐसे करते हुए डिजाइन के अनुसार हम सिलाई को बुनते जाएंगे और लास्ट तक अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे या लास्ट यानी हमारा देखिए यहाँ पर अब आपको छेद मिलेगा ये रहा पहचान हो गई है यहीं तक बुनना है तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है अब हम क्या करेंगे उल्टी साइड पर हैं और यहाँ से फिर से हम एक फंदे की घटाई करेंगे तो दो फंदे का यहाँ पर हमें एक कर देना है तो दूसरी बार यहाँ से हमारी घटाई हो गई है यहाँ वी गले की शेप आनी शुरू हो जाएगी तो ये यह हमने यहाँ पर दो का एक करना है और पूरी सिलाई को फिर उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देना है और फ्रेंड्स इसका जो हमने बैक पार्ट बनाया है उसमें हमें सेम जितने फंदे फ्रंट फंद पार्ट में लेने हैं उतने ही हमें बैक में लेने हैं और ये उल्टी साइड से जो बनाए हुए फंदे हैं अब दसवीं सिलाई पर मैं वही बनाऊंगी और जो स्लिप किए हुए हैं उनको मैं स्लिप करती जाऊंगी अगर आपने पार्ट वन देख लिया जिसमें डिजाइन बुनना बताया है सेट करना बताया है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डिजाइन को बुनने में तो आप उसको जरूर देखिए और अब जो बनाए हुए हैं उनको बना लेती हूँ जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करती जाती हूँ तो बैक पार्ट में आप सेम फंदे लीजिए जितने हमने फ्रंट पार्ट में लिए हैं नाइन्टी फाइव बॉर्डर में सोलह फंदे ऊपर बढ़ाए हैं तो एक सौ ग्यारह हो गए हैं तो एक सौ ग्यारह फंदे से ही हमने इसका बैक पार्ट कम्प्लीट किया हुआ है तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई फिर से आ गए इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर पाँच चार की घटाई हो गई अब हम यहाँ तीन फंदे की घटाई करेंगे तो दो फंदे का एक करेंगे फंदे को लूज रखेंगे और स्लाइब के ऊपर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे फिर से सिलाई पर लाएंगे इसे लूज रखना है और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करना है तो तीन फंदे की यहाँ पर घटाई हो गई अब हमें इस सिलाई को जैसे हमने इसकी नौवीं सिलाई बनाई है आगे डिजाइन के अकॉर्डिंग है जो फंदे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बना रहे हैं सीधे वाले में से एक फंदे को देखिए यहाँ कोने वाले को स्लिप करना है बीच के तीन सीधे बनाने हैं और फिर हमें एक फंदे को यहाँ स्लिप करना है ठीक ऐसे ही हम इस सिलाई को यहाँ तक बुन लेंगे तो ये देखिए सीधी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड से अब यहाँ हम फिर से गले के लिए दो का एक करेंगे तो यहाँ से हमारा तीसरा फंदा अब ये कम हो रहा है और यहाँ पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको बनाते जाना है जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करना है तो ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है कि आपने लेंथ कितनी बनाई है और वहाँ पर आपका डिजाइन किस हिसाब से चल रहा है तो उसी हिसाब से आपने डिजाइन को बुनना है और अगर सेम फंदे हैं सेम लेंथ है तो बिल्कुल सेम तरीके से आपका ये डिजाइन बनेगा तो उल्टी साइड से सिलाई को हमने बना लिया है और जो हमारे यहाँ मुड्ढे की घटाई हो रही है ये लास्ट बार की अब हमें घटाई करनी है तो यहाँ से अब हम दो फंदे का एक कर देंगे तो मुड्ढे की घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है अब यहाँ पर जो हमारा डिजाइन बन रहा है इस डिजाइन की यहाँ पर तेरहवीं सिलाई है तो देखिए यहाँ से अब हमारा डिजाइन पूरा हुआ है तीन ये उल्टे थे हमने बना लिए अब ये डिजाइन बनेगा हमारा जैसे भी हमें बुनना है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ये फंदा हमने स्लिप किया हुआ है इसके लिए हम क्या करेंगे ये जो हमारे तीन उल्टे हैं ना इसको हम ऐसे कर लेंगे इधर से और इनको देखिएगा क्योंकि डिजाइन को भी तो हमें बुनना है आगे हम ये जो तीन फंदे हैं डिजाइन के यहाँ पर दो रखने वाले हैं तो इस फंदे को हम थोड़ा सा खींच के लंबा कर देंगे क्योंकि हम इसको उसकी तरफ लेकर जाएंगे इन दो को उतारेंगे देखिए ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि डिजाइन हमें आगे ऐसे ही रेगुलर बनाना पड़ेगा आराम होल की तरफ इस फंदे को उतार देंगे ये तो हमारा खुलेगा नहीं ये खुल सकता है तो पहले हम इसको ऐसे पकड़ के यहाँ डाल लेते हैं ताकि ये खुलने ना पाए अब ये जो दो फंदे उल्टे हैं ना इनको यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हमारा डिजाइन बनता चला जाए यहाँ से इसकी खालीपन की कोई लुक ना आए और इस फंदे को इधर ले लेंगे अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक एजस्टिक चलेगा अब यहाँ घटाई कंप्लीट हो गई है तो इस फंदे को अब हम यहाँ सीधा बना देंगे आपके फंदे अगर इसी तरह से होंगे तो आपका ऐसे ही होगा और फिर देखिए धागा अपनी तरफ करके यहाँ दो फंदे उल्टे बचे क्योंकि तीसरा हमने डिजाइन में ले लिया है तो अब इस दो को हम यहाँ उल्टा बुन देंगे इस तरीके से हम डिजाइन को ऊपर आर्म होल की कटिंग करते हैं तब सेट करते हैं नीचे से तो सही बनते हुए आता है धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को अब हम यहाँ सीधा बना देंगे अब ये एक दो और ये तीन हमारे सीधे हो गए हैं अब यहाँ से हम अपने डिजाइन को जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे इसको स्लिप करेंगे इन तीन फंदों को इस सिलाई पर लेंगे फिर इसको भी नीचे गिरा देंगे ये जो हम फंदे इस तरह से गिराते हैं ये खुलते नहीं हैं फिर इसको हम इस हाथ की सिलाई पर ले लेंगे इन तीन फंदों को वापस इसी सिलाई पर लाएंगे और इसको यहाँ से उठाएंगे और हम यहाँ पर डाल देंगे ये एक फंदा यहाँ पर सीधा तो देखिए ये हमारे पांच के पांच वापस सीधे हो गए हैं यहां पर ये यह डिप्पी थोड़ी सी छोटी बनेगी धागा अपनी तरफ करेंगे तीन उल्टे एक दो और ये तीन अब सेम तरीके से आगे डिजाइन को बनाते हुए यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने अपने डिजाइन को बना लिया है अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर तीन फंदे यहाँ पर हम घटा चुके हैं अब हम यहाँ पर इसका चौथा फंदा घटाएंगे तो यहाँ से हम दो का एक कर देंगे और अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे ये जो हमारा यहाँ पर तेरहवा डिजाइन बना है इसकी ये चौदहवीं सिलाई है और उल्टी साइड से तो पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमारा ये चौदहवा डिजाइन तेरहवा जो डिजाइन है उसकी चौदहवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है और अब आ गए हम सीधी साइड पर तो नेक्स्ट बार अब डिजाइन की स्टार्टिंग होगी यानी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डिजाइन शुरू होगा तो घटाई हमारी आर्म होल की कंप्लीट हो चुकी है अब ये यहाँ पर एक फंदा तो एजस्टिज का हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि यहाँ से हम अपने डिजाइन को रेगुलर रखेंगे तो उसके लिए अब हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर ये सीधा बना देंगे उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए जहां तीन फंदे थे ना उसमें अब हमारे दो फंदे चल रहे हैं एक और ये दो क्योंकि तीन में से हमने एक को यहाँ सीधा बना लिया है ताकि हर बार ये क्रॉस वाला हमारा डिजाइन लास्ट तक बनता चला जाए ताकि इसकी लुक अच्छी आए तो सिर्फ यहां पर हमारा थोड़ा सा चेंज आया है एजस्टीज के बाद एक सीधा हो गया दो उल्टे हो गए आगे हमारे वही पांच सीधे और तीन उल्टे हैं देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे ऐसे करते हुए अब हमें यहाँ तक सिलाई को बुन लेना है तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है अब हमने यहाँ पर चार फंदे तो लगातार घटाए हैं हर बार जब हम उल्टी साइड पर आए तो हमने दो का एक किया है अब की बार हम क्या करेंगे यहाँ से फंदा नहीं घटाएंगे हम क्या करेंगे एक बार जब हम सीधी साइड से बुन के और उल्टी तरफ आएंगे तो फंदा नहीं घटाएंगे। फिर सेकंड बार जब हम सीधी साइड से बुन के और उल्टी तरफ आएंगे तब हम यहाँ दो का एक करेंगे यानी एक बार हम उल्टी तरफ से जब बुनेंगे तो घटाई नहीं करेंगे दूसरी बार जब आ जाएंगे तो हमें घटाई करनी है तो यानी अब हमने चार फंदे लगातार घटा दिए हैं और ये जो पांचवी बार की अब घटाई होनी है ये हम नहीं करेंगे उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे फिर नेक्स्ट बार जब हम उल्टी साइड पर आएंगे तो दो का एक करेंगे तो उल्टी तरफ की सिलाई को मैं उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए उल्टी साइड की हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई अब आ गए इसकी हम सीधी साइड पर सीधी साइड पर अब डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनेंगे ये हमारा यहाँ पर एडजस्टिज के लिए एक फंदा इसको हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे ये एक फंदा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे अब ये उल्टे रखे हैं हमने यहाँ पर और आगे पांच सीधे तीन उल्टे ऐसे करते हुए हम सीधी साइड से सिलाई को बना लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई को सीधी साइड से कंप्लीट कर लिया है अब हम आगे इसकी उल्टी साइड पर तो जब इससे पहले हमने उल्टी साइड की सिलाई बनाई थी तो फंदा नहीं घटाया था अब हम यहाँ पर फंदा घटाएंगे तो ये आप ध्यान में रखिए कि एक बार जब आप उल्टी साइड पर आओ तो ऐसे ही बना देना और नेक्स्ट बार जब उल्टी साइड पर आएंगे तो दो का एक कर देंगे और अब ये सिलाई हमारी उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बनाई जाएगी तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है अब सीधी साइड से हम डिजाइन के अनुसार सिलाई को बनाएंगे फिर उल्टी तरफ आएंगे तो हम फंदा नहीं घटाएंगे फिर सीधी साइड से बुनेंगे और फिर जब उल्टी साइड पर जाएंगे तब हम दो का एक करेंगे क्योंकि इधर की घटाई कंप्लीट हो गई अभी हमें सिर्फ फंदे गले के घटाने हैं तो हम इसमें फंदे यहाँ से तब तक ऐसे ही घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पर शोल्डर के इस तीन प्लाई वाली ऊन में हमारे उनतीस से तीस फंदे होने चाहिए और जो हमारी सिंगल तार वाली ऊन होती है वो चाहे किसी भी कंपनी की हो तो उसमें आपको यहाँ पर शोल्डर के तैतीस चौंतीस या पैंतीस पैंतीस फंदे लास्ट होने चाहिए पैंतीस से ज्यादा ऊपर शोल्डर के फंदे नहीं होने चाहिए नहीं तो चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी तो तीन प्लाई वाली ऊन उन में उनतीस या तीस और जो सिंगल तार वाली ऊन होती है वो तीन प्लाई या फोर प्लाई कोई भी हो तो उसमें आप तैंतीस चौंतीस या पैंतीस पैंतीस फंदे लास्ट होंगे तो इसी तरह से हम यहाँ से फंदे घटाते जाएंगे एक बार तो जैसे हम उल्टी साइड से बुनेंगे तो फंदा नहीं घटाएंगे जब हम दूसरी बार उल्टी साइड से आएंगे तो वहां पर हम दो का एक करके एक फंदा घटा देंगे आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब सिर्फ हमें गले की घटाई करनी है तो अब मैं इसमें ऐसे ही फंदे घटाते हुए जाऊंगी और इसकी लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो मैं इसमें ऐसे ही फंदे घटाते हुए अब इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूं फिर आगे आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड का हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसके जो शोल्डर के फंदे हैं वो मैंने तीस रखे हैं यानी थर्टी फंदे रखे हैं और जो यहाँ राउंड में घटाई करके आर्म होल की जो हमने शोल्डर तक लेंथ बनाई है वो मैंने साढ़े दस इंच बनाई है आपको नाप कर दिखा देती हूँ ये देखिएगा हम ऐसे इसका नाप लेंगे इस तरीके से ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए आपका नाप लेते टाइम ये देखिएगा ऐसे हमने इंची टेप को रखना है और इसको ऐसे हमने नाप लेना है ये देखिएगा ये हमारा पूरा साढ़े दस इंच हमारा बनके तैयार हो गया है ये जो राउंड होती है इसमें हमें नाप लेना है तो इस तरह से एक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है ऐसे राउंड में नाप कर देख लीजिए सवा दस या साढ़े दस इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए अब हम इसका दूसरी साइड वाला हिस्सा बनाएंगे और इधर से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है यहाँ से गले की घटाई करनी बिल्कुल सेम तरीके से होगी अंतर सिर्फ़ इतना आएगा कि यहाँ पर अब जो हमारी गले की घटाई होगी वो सीधी साइड से होगी इस वाले पार्ट में हमारी उल्टी साइड से हुई थी और आर्म होल की कटिंग सीधी साइड से हुई थी इधर वाली साइड जो गले की घटाई होगी वो सीधी साइड से हो जाएगी और जो आर्म होल की कटिंग होगी वो उल्टी साइड से होगी तो यहाँ से मैंने अपने इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख के और इतना सा छोड़ दिया है कि ये हमारे शोल्डर को अटैच करने के काम आ जाए और फिर अपने धागे को देखिए मैंने यहाँ पर बांध दिया है यहां से मैंने एक लूप उठाई और उसमें धागे को बिल्कुल पक्का करके और बांध दिया है अब यहाँ हमें देखिए ये जो ठीक बीच का इसका फंदा है इस फंदे को एक धागे में या सेफ्टी पिन में इसको डाल के हम अलग से छोड़ देंगे तो ये देखिए मैं इसको धागे में बांधकर छोड़ दूंगी तो ये मैंने एक अलग से धागा ले लिया है और इसमें से इस धागे को हम ऐसे निकाल लेंगे और इस फंदे को उतार देंगे और इसमें हम ऐस इस तरीके की नोट लगाएंगे कि जब हम इसको खोलेंगे तो आराम से खुल जाएगी तो देखिए ऐसे हमने नोट लगा के और इसको छोड़ दिया है इसको जब हम खींचेंगे तो ये खुल जाएगा तो ये हो गया हमारा सेंटर का फंदा जिस पर हमारे गले की फली बनेगी अब यहाँ से हम गले की घटाई करना शुरू करेंगे धागा हमने यहाँ पर अटैच पहले से ही कर लिया है तो यहाँ से हम पहले दो फंदे का एक कर देंगे तो ये गले की घटाई हमारी शुरू हो गई है आगे हमारे डिजाइन के हिसाब से जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुनते हुए अब हम इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए डिजाइन के अनुसार मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है अब यहां से हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे यानी मुड्ढे की घटाई करेंगे जैसे हमने इस साइड की की है सेम ऐसे ही अब इधर से करनी है अंतर सिर्फ इतना ही आया है कि एक पार्ट की सीधी साइड से हो गई और एक पार्ट की उल्टी साइड से होगी तो यहाँ से हमें पांच फंदे की घटाई करनी है दो का एक करेंगे फंदे को लूज छोड़ेंगे नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे फिर से सिलाई पर लाएंगे दो का एक करेंगे लूज रखते हुए सिलाई के ऊपर ले आएंगे और दो का एक कर देंगे चार फंदे हो गए इसे लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे और फिर से दो का एक कर देंगे तो देखिए पांच फंदे की घटाई हो गई है उल्टी तरफ से अब डिजाइन के हिसाब से हमारी ये सिलाई पूरी उल्टी जाएगी क्योंकि यहाँ पर यह डिजाइन की आठवीं सिलाई बन रही है तो मैं इसे उल्टा बुनकर लास्ट तक कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है अब देखिएगा यहाँ से हम फिर से एक फंदा घटाएंगे पांच फंदे हमने इस साइड पर लगातार घटाए थे हर सीधी उल्टी साइड पर घटाए थे यहाँ सीधी साइड पर घटा रहे तो तो पांच फंदे हम लगातार यहाँ से घटाएंगे तो गले के ऐसे शेप हो जाएगी इधर पांच फंदे की घटाई हो गई चार तीन एक ऐसे इधर की घटाई होगी जैसे मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट घटाई करके दिखाई है सेम ऐसे ही करना है जब पांच फंदे की घटाई लगातार इधर से हो जाएगी उसके बाद इसमें हमें क्या करना है एक बार हम सीधी साइड पर आएंगे तो फंदा नहीं घटाएंगे जब उसके बाद फिर उल्टी साइड से बुनके फिर हम सीधी साइड पर आएंगे तब हम दो का एक करेंगे तो इस तरीके से ही जैसे इधर की घटाई हुई है सेम ऐसे ही अब आपको इस साइड पे घटाई करनी है और तब तक घटाई करते जाना है जब आपके यहाँ शोल्डर के तीस फंदे बचते हैं इस तीन तार वाली ऊन में और जो आपकी नॉर्मल वाली ऊन होगी सिंगल धागे वाली जो कि ऐसी होती है ये वाली इसमें आप तैंतीस चौंतीस या पैंतीस लास्ट पैंतीस फंदे तक आप रखिएगा और तब तक वैसे ही घटाई कीजिएगा जब घटाई करते करते आपके फंदे मतलब तीस ही बच जाते हैं जैसे हमारी ये घटाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी इतना पार्ट हमें और बुनना था तो बिना घटाई के ऐसे जो तीस फंदे बच गए आगे हम उसकी लेंथ को पूरा करते हैं तो अब मैं इस साइड की भी लेंथ को सेम तरीके से घटाते हुए पूरा बना लेती हूँ फिर आपको इस गले की फाइनल लुक दिखाती हूँ कि घटाई के बाद इसकी लुक कैसे आई है तो जैसे मैंने पूरी घटाई इसमें करके दिखाई है इधर हमारा सेट हो गया है सारा अब आप ऐसे ही करते जाइए और इस साइड के पार्ट को भी बना लीजिए तो मैं इसे एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स गले की घटाई कंप्लीट हो गई है दोनों साइड के इसके पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और घटाई करने के बाद आप गले की शेप और लुक देख सकते हो बहुत ही सुंदर आई है तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से गले और मुड्ढे की घटाई कीजिए और इसकी जो लेंथ है उसे कंप्लीट कर लीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट में गले की घटाई कितनी करनी है और इसके कंधे कैसे जोड़ने हैं ये बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू